गुड आफ्टरनून एवरीवन सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है यस सर सभी को स्क्रीन विजिबल है एंड वॉइस क्लियर है यस yes, सर। okay. <coughs> अभी तक हमने इंडिविजुअली पी पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इन दोनों को इंडिविजुअल देखा इनकी कैसे पी टाइप सेमी कंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होते हैं माइनरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन किस तरह से जनरेट होता है किस तरह से वहाँ पे मोबाइल आयन आते हैं कैसे उनका एनर्जी बैंड डायग्राम अफेक्ट होता है ड्यू टू डोपिंग उसका इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन क्या होता है उसकी कंडक्टिविटी क्या है ये सारी चीज़ें हमने इंडिविजुअल पी एंड एन दोनों टाइप के सेमी uh, में देखा नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं कि एक हमारे पास एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है एक हमारे पास सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है हम क्या कर रहे हैं उसके बोथ साइड पे एक साइड पे उसके उसको मान लो जस्ट हमने उसके आधे पार्ट में हमने पी टाइप डोपिंग की है एंड आधे पार्ट में हमने एन टाइप की डोपिंग की है हमने एक सिंगल क्रिस्टल लिया सिंगल सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लिया uh, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें हाफ पार्ट में हमने पी टाइप की डोपिंग कराई एंड हाफ पार्ट में एन टाइप की डोपिंग कराई राइट right? यहां पे इस चीज से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर था वो भी तो कुछ ऐसा था उसमें भी तो हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर uh, में पी टाइप और एन टाइप दोनों डोपिंग कराते थे वहां और यहाँ में डिफरेंस था कि जब हम डोपिंग, यहाँ पे जब हम 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 पे पे करा रहे होते हैं वहाँ पे हम क्या करते थे पूरे सेमीकंडक्टर में फुल सेमी में बोथ टाइप ऑफ डोपिंग कराते थे ट्राइबल एंड इम्प्योरिटी भी फुल सेमीकंडक्टर में ऐड होता था और जो तुम्हारा पेंटावेलेंट uh, इंप्योरिटी वो भी पूरे सेमीकंडक्टर में ऐड होता था बट यहाँ पे जब हमें पीएन जंक्शन फैब्रिकेट करना होता है तो बस हम जो फैब्रिकेशन का मेथड है ठीक है फैब्रिकेशन जो डोपिंग uh, का एरिया है उसको हम कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं वहां पे फुल एरिया में हम पी टाइप और एन टाइप दोनों डोपिंग फुल एरिया में नहीं करते कुछ एरिया में हम पी टाइप डोपिंग करते हैं और कुछ एरिया में हम एन टाइप डोपिंग करते हैं ठीक है यहाँ के लिए हमने अज्यूम किया है कि लेट्स से हमारा जो पी टाइप डोपिंग है वो यहाँ इस एरिया में है रीजन वन इसको हमने बोला और एन टाइप डोपिंग जो है वो हमारी रीजन टू है ठीक इन दोनों के बीच में ये जो इंटरफेस जहां से जस्ट पी और एन दोनों अलग अलग हो रहे हैं ठीक है ये बेसिकली क्या कहला रहा है तुम्हारा जंक्शन ये बेसिकली क्या कहलाता है तुम्हारा जंक्शन तो इस वजह से इस, तो, इस ये जो डिवाइस हमने जनरेट किए जो हमने फैब्रिकेशन uh, किया एक सेमीकंडक्टर डिवाइस का इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर जंक्शन आगे जाके इसी को हम डायोड भी बोलेंगे आगे जाके इसी सेमीकंडक्टर को या इसी सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम डायोड भी बोलेंगे इनिशियली जब हम इसको फैब्रिकेट कर रहे थे तो हमने कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई इसमें नहीं दी है एक्सटर्नल सप्लाईज में कोई भी नहीं दी है बस क्या किया है सिंगल क्रिस्टल मटेरियल लिया है सेमीकंडक्टर का और उसमें डोपिंग कराई है बोथ टाइप की जब हमने इस तरह की डोपिंग कराई होगी तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वहां पे होल जो है वो मेजोरिटी कैरियर है तो खूब सारे जो होल्स होंगे नंबर ऑफ होल यहाँ पे ज्यादा होगा और इस साइड पे जो नंबर ऑफ होल है वो काफी कम होगा रीजन एन साइड में जो होल्स uh, हैं वो क्या होते हैं माइनॉरिटी कैरियर होते हैं सिमिलरली जो तुम्हारा पी साइड पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो माइनॉरिटी होंगे और एन साइड में तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे मेजॉरिटी में होंगे ठीक है यहां बिल्कुल ये यह नहीं है कि तुम्हें ए, हमने अगर थ्री 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 करके यहाँ पे होल्स दिखाए तो आपको वैसे ही दिखाना है। एक सिंपल सा हमने विदाउट एनी काउंट हमने बस सिंपली पे होल को ज्यादा और इलेक्ट्रॉन्स को कम शो किया है और इधर साइड पे होल्स को कम और इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा शो किया है रीजन कि पी साइड में होल्स जो होते हैं मेजोरिटी कैरियर होते हैं और एन साइड में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं करेक्ट नाउ no. जैसे ही तुमने इस तरह की ये डोपिंग कराई अब इस डोपिंग को कराने की वजह से क्या हुआ जो रीजन वन और रीजन टू के बीच में जो इंटरफेस जो जिसको हम जंक्शन बोल रहे हैं इस जंक्शन पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस जंक्शन पे हमें एक हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल रहा है एक हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है हम पहले भी देख चुके हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कंसंट्रेशन क्या है ग्रेडियंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू डेंस डिस्टेंस तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन <coughs> या होल का जो कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या होल जो है वो क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं और यहाँ पे देखो इस इंटरफेस के जब इस साइड में देखोगे जब में देखो तो वहां पे तुम्हें काफी रहे है। जो है, वो काफी में, में, right में देखोगे तो जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो काफी कम है तो रीजन वन और रीजन टू में जब होल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो रीजन वन में होल बहुत हाई कंसेंट्रेशन है और रीजन टू में होल का काफी लो कंसंट्रेशन है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो रीजन टू में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन काफी हाई है, जबकि रीजन वन में इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो लो है। अब ये जो हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इस हाई कंसंट्रेशन की वजह से क्या होगा जब तुम्हारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है तो हमने एक फिनोमिना पढ़ा था वो क्या था डिफ्यूजन डिफ्यूजन हाँ बेटा तो अब यहाँ पे डिफ्यूजन होगा मतलब डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिफ्यूजन ऑफ होल्स तो उस डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा डिफ्यूजन कैसे होता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ठीक है ये जो होल्स हैं, इनका मूवमेंट किधर होगा फ्रॉम रीजन वन टू रीजन टू ड्यू टू डिफ्यूजन सिमिलरली जो ये इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का हाई कंसेंट्रेशन किधर है रीजन टू की साइड पे तो रीजन टू से रीजन वन की तरफ ये मूव करेंगे अब जब ये इस तरह से इनका मूवमेंट होगा रीजन वन से रीजन टू की तरफ ठीक तो क्या होगा अब ये uh, holes, जब move करके region 1 में आए, अब यहाँ पे इनको ये इलेक्ट्रॉन मिला होगा और ये क्या करेंगे इस इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे रिएक्ट कर जाएंगे या क्या करेंगे वापस कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे ये जब होल one से रीजन वन से रीजन टू में आया तो यहाँ क्या है जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा इस होल से कंबाइन होके यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन और ये होल आपस में क्या करेंगे एक बॉन्ड बना लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा एक तरह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर वापस से कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और जब ये इलेक्ट्रॉन हटेगा ठीक ये इलेक्ट्रॉन जो ये मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है ये हमने देखा था ये बेसिकली कैसे जनरेट हो रहे हैं आयोनाइजेशन की वजह से इनका ज्यादा कंसंट्रेशन आयोनाइजेशन की वजह से और आयोनाइजेशन से हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो जनरेट होता है साथ में एक इमोबाइल आयन भी जनरेट होता है तो जब ये इलेक्ट्रॉन और होल आपस में कोवलन बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो अपने पीछे ये इलेक्ट्रॉन एक सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे छोड़ के जाएगा अपने पीछे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रॉन इधर होल के पास पहुंचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन और होल भी आपस में कंबाइन होके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे एंड यहाँ पे एक नेगेटिव इम्मोबाइल चार्ज यहाँ पे पीछे छूट जाएगा या अनकवर हो जाएगा बाय द होल तो एक सर्टेन टाइम के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद इस जो इंटरफेस है या जिसको हम जंक्शन बोल रहे हैं यहां पे पी साइड पे कुछ नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इमोबाइल चार्ज एंड एन साइड पे कुछ पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज पी साइड पे तुम्हारे नेगेटिव इमोबाइल चार्ज और एन साइड पे तुम्हारे पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे राइट right? इस चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगी या ये कहें कि उसकी डायरेक्शन एन साइड से साइड की ओर होगी ठीक अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है इस में, इस अभी तक ये जो होल और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो ये डिफ्यूज हो पा रहे थे अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी इस होल डिफ्यूजन को और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन को स्टॉप कर देगी मीनिंग अब यहाँ पे ना कोई डिफ्यूजन होगा जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई ठीक है तो यहाँ पे डिफ्यूजन क्या होगा खत्म हो जाएगा अब कोई डिफ्यूजन नहीं होगा देखो यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है इनिशियली जब डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ ठीक तो ऐसा नहीं था कि अचानक से ये सारा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया अचानक से ये नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा इसने कुछ टाइम लिया होगा ठीक है धीरे धीरे इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड फील्डअप बिल्डअप हुई होगी और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिफ्यूजन फोर्स से जो होल इस तरफ लगा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरफ लगा रहे हैं उस डिफ्यूजन फोर्स से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाइयर हो गई होगी तो क्या होगा ये डिफ्यूजन स्टॉप हो गया और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट था मेजोरिटी चार्ज कैरियर का जो मूवमेंट था वो अब खत्म हो गया ठीक तो ये जो ये जो रीजन हमारा हम, हमारा है जहां पे ये इमोबाइल चार्ज है जहां पे ये इमोबाइल चार्ज है इनको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन इनको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज रीजन ओके एक पॉइंट uh, यहाँ पे और याद रखेंगे यहाँ पे जो हमने डोपिंग कराई है यहाँ पे जो हमने इनिशियली पी टाइप और एन टाइप की डोपिंग कराई है वो कुछ इस तरह से कराई कि लेस से ये ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो था ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए था और ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू बी था तो अगर डिस्टेंस वर्सेस

मतलब तुरंत जस्ट आफ्टर x a राइट साइड में रीजन 2 में जैसे ही हम जाएंगे तो हमारी डोपिंग अब क्या होगी एब्रप्टली चेंज होगी और अब ये डोपिंग कितनी हो जाएगी nd अब ये डोपिंग कितनी हो जाएगी nd अभी इस डायग्राम को और अच्छे से पढ़ेंगे अभी इसमें एनर्जी और बाकी चीजों का भी जब हम लोग चीजें देखेंगे अभी हम बेसिक इसका जंक्शन का क्रिएशन देख रहे हैं अभी ये जो वेरिएशन हम uh, बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन के वेरिएशन की जो बात कर रहे हैं इसको अभी और इलेबोरेट करेंगे लेकिन अभी के लिए हमें समझना है कि जो हमने यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लिया है वो कुछ इस तरीके से है कि एग्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू ए मतलब उस इंटरफेस जो हमने इंटरफेस की, की बात की जो हमने जंक्शन की बात की एट एट द जंक्शन हमारा जो डोपिंग uh, का कंसंट्रेशन है वो एब्रप्टली चेंज हो रहा है ये जो चेंज है वो है स्टेप फंक्शन एक तरह से यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट क्या समझना है कि फर्स्ट हमारे पास एक सिंगल क्रिस्टल था उस सिंगल क्रिस्टल में हमने एक साइड पे पी टाइप डोपिंग कराई एक साइड पे एन टाइप डोपिंग कराई एक साइड पे हमने पी टाइप डोपिंग कराई एक साइड पे हमने एन टाइप डोपिंग कराई ठीक है अब इस पी टाइप डोपिंग और एन टाइप डोपिंग की वजह से यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हुआ उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होल का डिफ्यूजन पी टू एन एंड इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन एन टू पी स्टार्ट हुआ होल का डिफ्यूजन पी टू एन एंड इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन एन ये स्टार्ट हुआ राइट right? इस डिफ्यूजन की वजह से एक सर्टेन टाइम के बाद तुम्हारा क्या हो रहा है यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं और उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है जो क्या कर रही है इस डिफ्यूजन को अपोज कर रही है इस डिफ्यूजन uh, को अपोज कर रही है करेक्ट वो रीजन जो जहां पे ये इमोबाइल चार्ज है जहां पे ये इमोबाइल चार्ज है इसको हमने क्या बोला है स्पेस चार्ज रीजन इसको हमने क्या बोला है स्पेस चार्ज रीजन और जब ये स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये क्रिएट हो जाएगी